अक्षर खान, राज्य के साथ लाने को देने का वादा किया था तूने, अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान? बता क्या करेंगे तुझे? माफ करना बस्ती धनबाद का एक गांव है जो बहुत प्रचलित है और यहां पे जो है कि लाठी खेल का आयोजन किया गया है और इस खेल का, इस गांव के खेल का जो सदर है हमारे बीच में है, क्या नाम है जरा पूछेंगे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। अच्छा फारूक जी, आप मुझे बताइए कि इतना अच्छा खेल आप कहाँ से सीखे, किसने सिखाया? हम छोटे थे ना तो उस टाइम मतलब जो खेल रहा था बड़ा आदमी ना, उसी टाइम हम देख देख के मतलब सीखे, फिर उस्ताद मंगाए, उस्ताद से फिर सीखे। आज भी जो बाजू में हम आपका दम देख रहे हैं, आज के जवानों में नहीं दिखेगा। और जवान थे उस टाइम तो हम तो देखना ही नहीं था, बारह जो ढूंढ रहे थे, हम तब इतना स्पीड घूम रहे थे तब तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ घूम रहा है। बात है क्या कि मतलब अभी तक तो कुछ कमजोर हो गया, बुढ़ा हो गया। आज के नौजवानों को क्या संदेश दीजिएगा, आज के लड़का लोग को क्या बोलिएगा बताइए? आज का हल्का लड़का तो क्या बोलेंगे हम लोग, बहुत दूर तक आपकी आवाज जाएगी, बोलिए। देखिए आजकल कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम कि ये खेल से मन भटक रहा है लोगों का। लड़का लोग का हौसला बढ़ा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। अच्छा ये तोपचा जी, थाना के अंतर्गत ये लेदाटाड़ आता है और लेदाटाड़ में जो खेल कमेटी है उनका अध्यक्ष हमारे सामने है और इनके बाजू में जो दम दिख रहा है, हमको नहीं लगता है कि आज के जवानों में वो दम होगा, लेकिन हम बार बार चाचा से पूछ रहे हैं ये आज के नौजवानों को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश दे रहे कि मतलब उसका बढ़िया से बढ़िया खिलाइए, उसके बाद अपना कमाई कीजिए, मतलब रोजी रोजगार में रात को खेल होगा टाइम दीजिए खेलने के लिए, उसके बाद दिन में अपना कमाइए। चलिए ग्रामीण टीवी में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चाची के साथ रानी को देने का वादा किया था तूने, अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेखा, बता क्या है?